जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल SP क्लासेस पर। अगर आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य महत्वपूर्ण संगठन के बारे में बताने जा रहे हैं। GK के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। और यह भी पूछ लिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की का मुख्यालय कहां पर है, तो यह इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या थी कितनी थी? 51 सदस्य पोलैंड था। कौन सा था? पोलैंड। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को? चार्टर। क्या कहा जाता है? चार्टर। कुल अनुच्छेद 111 और भाग 19 के। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश की संख्या है, कितनी है देश की संघ सदस्य देश की संख्या? 193 सदस्य। कौन सा है? दक्षिण सूडान। कौन सा? दक्षिण सूडान। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशंस नाम दिया था किसको? अमेरिका राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कुल मान्यता प्राप्त भाषा है, कितनी है मान्यता प्राप्त भाषा? 6। कौन कौन सी है? चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश, अंग्रेजी और फ्रेंच। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की दो कार्यकारी भाषाएं हैं, कौन कौन सी दो कार्यकारी भाषाएं हैं? अंग्रेजी और फ्रेंच। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका को कहते हैं, क्या कहते हैं? कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद, और व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? महासभा। क्या कहते हैं? महासभा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य संख्या है तो कितनी सदस्य संख्या है? 15। कितनी है? 15। स्थाई 5 और अस्थाई कितने हैं? 10। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के 5 स्थाई सदस्य हैं, कौन कौन से हैं सुरक्षा परिषद के 5 स्थाई सदस्य? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। एक बार और बता रहा है, कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्यों का कार्यकाल है कितने वर्ष का है? कार्यकाल 2 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति है तो कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति है तो कौन सा है? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला क्वेश्चन है, वीटो का सर्वाधिक बार प्रयोग किया स्थायी सदस्यों को प्राप्त निषेधात्मक व्यक्ति का सर्वाधिक बार प्रयोग किया सोवियत संघ ने। किसने? सोवियत संघ, रूस ने। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने सर्वप्रथम वीटो का उपयोग किया था तो कब किया था वीटो का उपयोग? 1971 में। कब किया था? 1971 में, रोडेशिया के प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष थी तो कौन थी संयुक्त राष्ट्र संघ की महिला की प्रथम महिला अध्यक्ष? श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। कब थी यह? 1953। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 15। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव प्रथम त्रिकवेली नार्वे का कार्यकाल होता है तो कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है तो कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय? हेग, नीदरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 को।
अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान 8वां महासचिव है तो कौन है? बान की मून। बान की मून दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासचिव कोफी अन्नान थी कहाँ के? घाना के। कहाँ के? घाना के। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो कब हुई थी? 10 जनवरी 1946 को। और यह भी बता दें कि कहाँ हुई थी, तो यह लंदन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ओपेक की स्थापना हुई थी, तो ओपेक की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? 1960 को बगदाद में। 1960 को बगदाद में। मुख्यालय है येना ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है, 1947 को स्थापित गेट का स्थान WTO ने लिया, कब लिया? GATT का स्थान WTO ने लिया, कब लिया? तो 1 जनवरी 1995 को। अगला क्वेश्चन है, WTO के वर्तमान सदस्यों की संख्या है कितनी है? 162। 162वां सदस्य देश कौन सा है? कजाकिस्तान। कौन सा है? कजाकिस्तान। WTO के वर्तमान सदस्यों की संख्या, WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा में। अगला क्वेश्चन, खाद्य एवं कृषि संगठन अस्तित्व में आया, कब आया? 16 अक्टूबर 1945 से। मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ है? खाद्य एवं कृषि का मुख्यालय रोम, इटली में। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना 1957 ईस्वी को। मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम। यूरोपीय संघ की सदस्य संख्या, वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 18 है। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? 1961 में बेलग्रेड में यूगोस्लाविया में। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक एवं प्रेरणाता थे तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासर एवं मार्शल टीटो। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना हुई तो कब हुई इसकी स्थापना? 7-8 दिसंबर 1885 में। और यह भी बता दें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय काठमांडू में है। अगला क्वेश्चन है, सार्क के 8वां सदस्य अफगानिस्तान देश हैं तो कौन है? भारत, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान। यह सार्क के 8 सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी नाटो की स्थापना? 4 अप्रैल 1949 को। इसकी सदस्य संख्या कितनी है? इसकी सदस्य संख्या 28 है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ की स्थापना हुई थी तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को। केंद्रीय सचिवालय जकार्ता है। कहाँ है सचिवालय? जकार्ता। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? 1919 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? इसकी वर्तमान सदस्य संख्या 185 है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी कब हुई थी? एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 ईस्वी में। मुख्यालय है मनीला। कहाँ है मुख्यालय? मनीला में। अगला क्वेश्चन है, एपेक की स्थापना हुई थी? एपेक की स्थापना 7 नवंबर 1889 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? अभी बता देते हैं, इसके मुख्यालय सिंगापुर में है। अगला क्वेश्चन है, 1945 में स्थापित विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है तो कहाँ है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का अन्य नाम है क्या? है विश्व बैंक का अन्य नाम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक।
क्या है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। विश्व बैंक की वर्तमान सदस्य संख्या है तो कितनी है, 188। अगला क्वेश्चन है WHO की स्थापना 1948 में और रेड क्रॉस की स्थापना 1963 में हुई थी तो इनका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल तथा राष्ट्रमंडल का मुख्यालय है कहाँ है, इनका मुख्यालय लंदन में। कहाँ पर है, लंदन में। इसरो तथा यूनेस्को का मुख्यालय है, इसरो तथा यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। और यह भी बता देते हैं कि इसरो की स्थापना 1967 में और यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 1945 में स्थापित अरब लीग का मुख्यालय है तो अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है, काहिरा, काहिरा में। कहाँ पर है, काहिरा में। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, कब हुई थी विश्व बैंक की स्थापना, दिसंबर 1945 में। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक की स्थापना हुई थी तो अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक की स्थापना 24 सितंबर 1960 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक की तीसरी खिड़की रियायती ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है किसको, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। किसको कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी, 27 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ है इसका, वाशिंगटन DC में। कहाँ है इसका मुख्यालय, वाशिंगटन DC में। IMF की वर्तमान सदस्य संख्या है, IMF की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, 188, कितनी है, 188। अगला क्वेश्चन दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है तो दीर्घकालिक व अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कौन कराता है, दीर्घकालिक ऋण विश्व बैंक और अल्पकालिक ऋण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन है इप्सा की स्थापना हुई थी तो इप्सा की स्थापना कब हुई थी, 2003 में। सदस्य भारत, ब्राज़ील एवं दक्षिण अफ्रीका। कौन कौन है, भारत, ब्राज़ील एवं दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ की स्थापना हुई थी तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, 1946 में। और यह भी बता देते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कहा जाता है तो किसको कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी, WTO विश्व व्यापार संगठन को। किसको, विश्व व्यापार संगठन को। अगला क्वेश्चन है WTO विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था तो कहाँ हुआ था प्रथम मंत्री सम्मेलन, सिंगापुर में, और कब हुआ था, दिसंबर 1996 में। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यटन निगम की स्थापना हुई थी, कब हुई थी विश्व पर्यटन निगम की स्थापना, 1926 में। और यही बता दें इसका मुख्यालय मीट्रिक स्पेन में है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई थी तो राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना, 1949 में। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय आर्थिक समुदाय अस्तित्व में आया, यूरोपीय आर्थिक समुदाय कब अस्तित्व में आया, 25 मार्च 1997 को रोम समझौते के द्वारा। कौन से समझौते के द्वारा, रोम समझौते के द्वारा। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है तो कहाँ है यूरोप आर्थिक समुदाय का मुख्यालय, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहाँ पर, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अगला क्वेश्चन वर्तमान में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सदस्य संख्या है तो कितनी है सदस्य संख्या, 28। अगला क्वेश्चन है यूरो मुद्रा का चलन 11 देशों में प्रारंभ हुआ तो यूरो मुद्रा का चलन 11 देशों में प्रारंभ हुआ, कब हुआ यह प्रारंभ, 1 जनवरी 1999 को। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में यूरो कितने यूरोपीय क्षेत्रों की मुद्रा हो गई है, कितने क्षेत्रों की मुद्रा हो गई है, 19। और 19वां देश कौन सा है, लिथुआनिया, लिथुआनिया। अगला क्वेश्चन है सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था तो सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 1985 ईस्वी में, ढाका बांग्लादेश में।
अगला क्वेश्चन है, सार्क के प्रथम शिखर सम्मेलन की अध्यक्ष कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सार्क के प्रथम शिखर सम्मेलन की अध्यक्ष कौन थी, तो HM इरशाद थी। कौन थी? HM इरशाद। अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस के संस्थापक थे? रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूरोंट थे। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक संगठन ब्रिक्स की स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में एकातेरिनबर्ग रूस में। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन लंदन में हुआ था, तो कब हुआ था? पीटर बेंसन द्वारा। किसके द्वारा? पीटर बेंसन द्वारा। कब हुआ था? 28 मई 1961 में। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो कब हुआ था शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त? 1977 में। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय मुख्य उद्देश्य, तो क्या है मुख्य उद्देश्य? मानव अधिकारों के हनन का जांच करना। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल की स्थापना हुई थी, इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन है, NAM गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सचिवालय है कहाँ है? काठमांडू नेपाल में। कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में। अगला क्वेश्चन है, अरब लीग के वर्तमान सदस्य हैं, अरब लीग के वर्तमान सदस्य 22 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय काहिरा में है। अगला क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। आसियान का गठन हुआ था, तो आसियान का गठन कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 को। कब हुआ था आसियान का गठन? 8 अगस्त 1967 को। अगला क्वेश्चन है, आसियान का मुख्यालय स्थित है, तो आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एपेक के वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है, तो कितनी है सदस्य देशों की संख्या? 21। अगला क्वेश्चन है, नाफ्टा की स्थापना 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में। अगला क्वेश्चन है, जी एट की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जी एट का पहला शिखर सम्मेलन नवंबर 1975 को हुआ था, पेरिस के निकट रंबोनीलेट में। कहाँ पर? रंबोनीलेट में, पेरिस के निकट। अगला क्वेश्चन है, डी एट का गठन कब हुआ था? जून 1997 को इस्तांबुल में। कहाँ पर? इस्तांबुल में। अगला क्वेश्चन है, जी पंद्रह की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, और यह भी बता दें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा में। अगला क्वेश्चन है, अंकटाड की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? जेनेवा में। अगला क्वेश्चन है, अंकटाड के प्रतिपादन का श्रेय जाता है, तो किसको जाता है? डॉक्टर रावल प्रिबिस को। अगला क्वेश्चन है, CTBT व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी संधि संगठन की स्थापना? 19 नवंबर 1996 को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC की स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना जुलाई 1956 में हुई थी, और इसका मुख्यालय भी बता देते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन है, चोगम
का मुख्यालय है, चोगम का मुख्यालय है स्टोंग्सबर्ग। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की स्थापना हुई थी, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1961 में। और यह भी बता देते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों।